अस्सलामुअलैकुम पावर व्हील्स, मैं मोटर मेनिया पे मौजूद हूँ, पावर व्हील पार्टनरशिप वर्कशॉप। आज FX का जो फाइनल एपिसोड है हम वो रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं। इससे पहले एपिसोड में आप देख चुके हैं कि मैंने एक दिन का चैलेंज दिया था बाबर भाई को। लाहौर में बहुत सख्त बारिश थी, यहाँ पर ट्रांसफार्मर ख़राब था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आज जो प्रोडक्ट रेडी करके रखी है हमारे लिए, अब आई एम नॉट श्योर कि वो कैमरा आपको कितना इंसाफ करके दिखा सकता है, बट असल में अगर मैं कहूँ तो माइंड ब्लोइंग किस्म का काम उन्होंने किया है। इसका पेंट, इसकी जो फिनिश है, मज़ा आ गया गाड़ी देख के। अब आपको दिखाते हैं। सो ये है गाड़ी जी आपके सामने, इसके जो पेंट है ना वो मतलब ब्रांड न्यू किसी गाड़ी से कम नहीं है। उसकी शाइन, उसकी जो पेंट की क्वालिटी है, आप इसके अगर बम्पर देख सकें, मतलब ये गाड़ी आपको जो है ना याद दिलाएगी FX जब 0 मीटर आती है तो कैसे होती है। सिर्फ हमने जो इसकी हेडलैम्प्स हैं वो ज़रा क्रिस्टल लगा दी हैं, और अब आपको इसका इंजन दिखाते हैं। ये चेक करें इंजन की जो हाउसिंग है, इसमें जितना रस था, अगर हम इसके साथ साथ आपको पिछला भी दिखाते रहें आपको आइडिया हो जाएगा कि पहले क्या था अब क्या है। तो अगेन मेरे ख्याल से वंडरफुल जॉब डन बाबर भाई ने, जितनी हमने उनको कहा था चीज़ें प्रिजर्व करने को वो सारा कुछ प्रिजर्व किया है। गाड़ी की जो अपनी ऑथेंटिक वो जो थी वो कायम रखी है। इसके अलावा आपको साइड से भी दिखाते हैं प्रोफाइल, और फिर इसके बाद बाबर भाई से थोड़ी चीज़ें पूछते हैं कि कहाँ कहाँ प्रोसेस में हमने क्या सोचा था, क्या चीज़ हमें सरप्राइज़ मिली। जब मैं लेके आया था तो मैंने उनको बड़े सब्ज़ बाग दिखाए थे कि गाड़ी बड़ी आला है, बड़ी खूबसूरत है। तस्वीरों में मैंने उनको धोखा दिया था, लेकिन जब बाद में खोल के उन्होंने मुझे दिखाया तो वो धोखा धोखा ही निकला वाकई, क्योंकि काफ़ी रश मौजूद था। लेकिन अगर आप अंदर से आ जाएँ तो आपको नज़र आएगा वो लोग जो 80s में थे उनको नज़र आएगा, वो जिस तरह की गाड़ी उनको 80s में नज़र आती थी, 0 मीटर वो लेने जाते थे। ख़ास तौर पे जो इसके दरवाज़ों की आपको आवाज़ है ना, ये मुझे मेरे स्कूल टाइम याद कराती है। मेरे स्कूल टाइम में हमारे पास हुआ करती थी, मेरी वालदा हमें स्कूल लेके जाती थी, ऑल द वो ब्लू कलर की थी। बट बैक प्रोफाइल से भी देख लें, सबसे पहले लाजमी चीज़ ये थी हमने पावर व्हील का स्टिकर लगा दिया है। अभी इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो फिनिशिंग की मिसिंग है, यहाँ पर एक स्टिकर आता है, इसके मोनोग्राम्स आते हैं, साइड की पट्टियां हैं। बहराम साहब कह रहे हैं मटलब अच्छे लग रहे हैं, मुझे अच्छे नहीं लग रहे, बट अभी हम इसको देख के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अभी बाबर भाई को बुलाते हैं। बाबर भाई आए ना सर, ज़रा बताएं कि ये माशाल्लाह हमने प्रोजेक्ट जो है, मेरा ख्याल है इतने जो आपको मैंने सरप्राइज़ दिए उसके बावजूद भी हमने मेरा ख्याल लगभग 1 महीने में पूरा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो पहले दिन आपको तस्वीरें मिली थी तो आपका ख्याल था कि ये इतना ही मुश्किल होगा, इजी होगा, कैसे सोचा था और क्या सोचा था? ये वही थी जो ऑनलाइन रिश्ता देखने वाली बात है। अच्छा, ऑनलाइन रिश्ते वाले तो लेकिन ये कि लेकिन शुक्र है अल्लाह का, हमने कहा चले अब इसको करना है तो बेहतरीन होगी, अल्लाह ताला ने करम किया, हमने सोचा, लेकिन आगे अल्लाह ताला ने रास्ते आसान कर दिए। सबसे बड़ा चैलेंज किस चीज़ में मिला था? बॉडी प्रोक्योर करने में। ठीक है, वो जो इसके अंदर रस्ट वगैरह, आपने जो मुझे वीडियो भेजी पहले दिन, मैंने कहा पता नहीं किसी और गाड़ी की भेज रहे हैं, मैं तो बेहतरीन गाड़ी देखे आया था, वो दरवाजे खोल के अंदर जो रश था इसमें रस्ट प्रॉब्लम। फिर उसको हमने जो आपका विजन था कि हमने 10 साल तो कम अज़ कम इसकी कुछ भी ना हो, सही है, तो हमने उस हिसाब से इसकी गाड़ी को प्रिपेयर करना था, सही है, उसकी बॉडी प्रिपरेशन। फिर हमने अल्लाह का शुक्र है कोशिश की कि इसको जिस तरह सुजुकी कंपनी ने इसको तैयार किया तो उससे भी एक लेवल नहीं, आप मेरा ख्याल है जो मैं अंडर बॉडी आपकी कोटिंग की कल तस्वीरें देख रहा था, जो एक तो हमने दिखाई थी ना इंटीरियर की, एक जो एक्सटीरियर के नीचे कोट है वो तो मेरा नहीं ख्याल कि सुजुकी का, बड़ी बड़ी कंपनी भी यहाँ पे करती है ऐसी, ये इन गाड़ी में ये नहीं हुई कोटिंग नहीं हुई, तभी गलती है, पाकिस्तानी जो गाड़ियाँ हैं तभी जल्दी गल जाती हैं। उसके अलावा और किस चीज़ ने तंग किया? कहीं तंग, कहीं फंसे, कहीं आगे गया, क्या हो गया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, बस हमें बस ये था जब हमने फैसला किया इसको करना है तो फिर आगे से आसानी पैदा होती। काम बहुत था, हमने जितनी डिटेल में ये गाड़ी तैयार की है और पहली दफ़ा हम इतनी डिटेल में गए, लेकिन ये कि मज़ा आया और गाड़ी मेरे ख्याल में ऐसी ही तैयार होनी। और आपको कहीं बाहर जाके काम तो नहीं कराना पड़ा, मतलब आपकी वर्कशॉप में सारी सर्विसेज थी, पेंट, डेंट, मैकेनिकल, बिकॉज ये हमें पता मलिक साहब से इंजन आपको दे गए थे वो भी आपने खुद फिट किया है, उसके पार्ट्स की कमी भी थी, सस्पेंशन, ये वो, तो सारा कुछ इन हाउस आपके पास मौजूद है? जी, इन हाउस हर चीज़ बाहर से बंदे बुलाते हैं? नहीं नहीं सर, हमारे पास जो है ना हर फैसिलिटी की यहाँ पे मौजूद है, मोटर मेनिया पे हम सब कुछ यहीं पे करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। सो अभी मैंने ईद से पहले हमने जो चैलेंज आपको दिया था वो आपने पूरा कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जेन में वैसे थोड़ा बहुत ये रखा हुआ था कि इसकी थोड़ी बहुत पट्टियाँ ये वो चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली बाद में होंगी, लेकिन अभी मेरे ख्याल से अगर वन वर्ड अगर मैंने इसके लिए कहना हो तो बेहतरीन आपने किए काम, माशाल्लाह से बहुत आला काम है जी, और कीप अप द गुड वर्क जी, थैंक यू वेरी मच, और आपको तंग करते रहेंगे अगले प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है सर? थैंक यू सर। पहली दफ़ा लेके निकले गाड़ी को वर्कशॉप से, देखते हैं, छोटे छोटे काम ऑब्वियसली होंगे, मैंने काफ़ी जल्दी डाली हुई थी ईद से पहले, गाड़ी चाहिए। सो भी ईद में एक दिन रहता है, पहली चीज़ जो ऑब्वियसली नज़र आ रही है वो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील यूँ सीधा नहीं है,
सो अलाइनमेंट बैलेंसिंग हुई तो है बट वो सही तरीके से नहीं हुई, वो करवानी है। दूसरा ब्रेक जो है ना, वो जो मलिक साहब ने तैयार की थी उसमें कोई ब्रेक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, गाड़ी जो है ना वो रुकती नहीं है। पिक वाइज ठीक है, इंजन में कोई इशू नहीं है, बट अभी मेरा ख्याल है क्योंकि गर्मियाँ हैं और एसी नहीं है इसमें, तो इसको ज़रा कम कम ही चलाना पड़ेगा और साथ साथ देखते क्या क्या इसके अंदर जो है चीज़ें हैं क्या नहीं है। अभी सीट बेल्ट ही नहीं है इसलिए मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई, काफ़ी लोग जो है एतराज़ करेंगे सीट बेल्ट क्यों नहीं है, बट नहीं थी इसमें सीट बेल्ट भी, उसकी अरेंज करनी है। बाकी ओवरऑल ड्राइव बड़े मज़े की है, बड़ी कंफर्टेबल चल रही है गाड़ी, लुक्स वाइज थॉरली इम्प्रेस बाय द जॉब डन बाय मोटर मैनिया, बहुत अच्छा काम किया है। खासतौर पर पेंट के ऊपर जो उन्होंने काम किया वो तो बहुत ही कमाल किया है। अब वो नहीं है इस टाइम पर तो मैं कह देता हूँ, मैं उनको रोज़ आके तंग तो करता था कि आप लेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बट जिस डिटेल से हैं जितनी उन्होंने प्यार से काम किया है मेरे ख्याल से बहुत आला है। और ये अब अगले कई सालों के लिए जो है ना गाड़ी रस्ट फ्री रहेगी, बिकॉज इसकी उन्होंने ट्रीटमेंट भी की है, अंडरकोट भी की है और गाड़ियों की सीटों के नीचे जो है साउंड प्रूफिंग अंडरकोटिंग भी की है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जिसमें मुझे लगता है कि जेन्युइन चीज़ें, अब इसमें पता नहीं वैसे गेजेस मैंने देखी नहीं, ना गेज हीट की काम कर रही है ना फ्यूल की कर रही है, अब इसमें फ्यूल है या नहीं है ये भी नहीं पता, रस्ते में बंद होगी तो पता लग जाएगा। खैर तो शायद आपको बाहर का शोर आ रहा हो, मैंने शीशा खोला है, इसको बंद कर लेते हैं। अच्छा वैसे पुराने ज़माने की गाड़ियों में मैंने देखा है, उस ज़माने में अगर जो है ना गाड़ी विद इन रीच है, मतलब इधर इस तरफ का शीशा भी नीचे कर रहे हैं तो बड़े आराम से हो रहा है, इधर का भी हो रहा है, नई वाली मेरी पता भी क्या सूरत हाल है। अच्छा बाकी ओवरऑल अभी आपको बाहर से इसके लुक भी दिखाते हैं, मूवी शॉट्स में दिखाते हैं, गाड़ी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। एक आधी चीज़ जिससे मैं खुश नहीं हूँ, इसके साइड के जो शीशे हैं वो जो जेन्युइन थे ना, वो जेन्युइन का साइज़ फ़र्क है, इसका साइज़ फ़र्क है, वो जेन्युइन ही मैं ढूंढूंगा, वो लगाएंगे। साइड पे दरवाज़ों के डोर मोल्डिंग है वो लगानी है और पीछे मोनोग्राम वगैरह है। बाकी ओवरऑल लेकिन जो इसकी अभी फील है वो बड़ी बेहतरीन है, एक दफ़ा अलाइनमेंट बैलेंसिंग हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी, बिकॉज अभी स्टेयरिंग टेढ़ा करके चलाना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी बल्कि जाते हैं रास्ते में जहाँ से फ्यूल स्टेशन आता है उसको फुल भी कराते हैं, मुझे नहीं पता इसमें कितना फ्यूल है कितना नहीं है, और ब्रेक का भी मलिक साहब से कोशिश करेंगे कि अगर तो आज उनका कोई लड़का आके चेक कर देता है तो बेहतरीन हो जाएगा। गुड साहेब जिंदाबे वाला, सर आपके लिए एक सरप्राइज रखा। ओए होए 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 होए, चेक करें सुरेश साहब, ये थे 2023 में 0 मीटर एफएक्स आपके लिए लेके आए हैं। वाह जी वाह, मैं कह रहा सर जिन्नी की साइज दी गड्डी होन लग रही है ना 30 साल बाद, वो तो टी बड़ी गड्डी दे विच पैक करके भी आ जाएगी है। नहीं पैक करके आ जाएगी गड्डी दी, तुसी फिनिश देखो आज 0 मीटर आए ना, टाइम कैप्सूल तो निकली वाकई। अगर आपने मेरा ख्याल हो यहाँ पे पहले खड़ी थी एक दिन देखी थी बुरी हालत में। नहीं सर मैंने गौर भी नहीं किया तब उसको के, क्योंकि उसकी हालत नहीं थी, तो जॉब है तैयार हो गया, ये चेक करें। ओए ओए ओए, ये भी क्या याद कराई, ऐसे खुलती है ना। हाँ अंदर से खोल के फिर खोलेगा, दिखाते हैं। सुनील सर वैसे पैकेज आनी चाहिए गड्डी, कोई नवी खरीदो गड्डी, लैंड क्रूजर तो छोटी और हाफिज जूस कॉर्नर मिल जाए ना, वड्डा ग्लास छोटा ग्लास वाइस्ता। अच्छा हां सच बोल रहा हूं, तेरे पास जमाने में गाड़ी नहीं थी ना। सही बात है, हां ना ये देख। ओए होए होए, लेकिन ये जी साले ये आवाज है ना इसकी, ये आवाज 63 हां वो जी ठीक करा लेना, वो ठीक कराने वाली नहीं, बेहतरीन तैयार हुई माशाल्लाह। इसका बोनट खोल के दिखाएंगे ना जरा, बाली जरा दिखाएं कैसी है। सुनील साहब मेरे एसी एसी लगवाना है यार, अभी तो एसी की देख मेरे साथ जो है, मैं वर्कशॉप से आया हूं लेके। मैं वही कह रहा हूं कि एसी लगना लग जाएगा, इसमें चलता है। हां एसी चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, बेहतरीन चलता है। पीछे से भी फुल पसीना है। हाँ नहीं इसमें एसी लग जाएगा ना, ये हमने इसमें लगाया है, घर में पानी ना आ रहा हो। किस गाड़ी का सर? इसका अपना ही लगेगा। ओए 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 ओए, इंजन चेक करें, ड्रेसिंग चेक करें। वैसे इस हालत में तो ये यकीन करें जब आती थी तब भी नहीं होती थी। नहीं तब भी ऐसी ही होती थी, बट ये इतने साल बाद यहाँ पे भी इसका जैक आना है। यहाँ पे और सामान आ गया था पहले, गाड़ी महंगी सस्ती नहीं होती भाई। अब ये टोटल तो चलो तुम्हारा ख्याल है कितने की होगी गाड़ी? यार मेरा जो अंदाजा है इसको रिस्टोर करके कोई 7-8 लाख की पड़ गई। रॉ गाड़ी में कल पार्किंग पे देख रहा था 2-3 लाख रुपए की मिल जाती है। इस गाड़ी पे हमारा टोटल लगा है 3,70,000-80,000, जिसमें से 1,80,000 तो सिर्फ वर्कशॉप का, जिसमें पेंट पूरी गाड़ी का रस्ट फ्री करना, नीचे से कोड किया है पूरा रस्ट फ्री, अंदर से कोड किया और है। ये वैसे कोखा कितना काम में लिया था? हमने लिया नहीं था, हमारे एक दोस्त है उनके वाले साहब की निशानी है, उनके लिए हमने रिस्टोर किया। बुरान साहब हमारे दोस्त हैं, उनके वाले साहब की निशानी है, उन्होंने दी थी, 7 साल से खड़ी थी। आपने भी अगर मेरा ख्याल नहीं देखा, जबरदस्त बाकी अगर कोई मैंने तो यार इसके इंजन पे हमारा लगा लाख रुपए, 1,80,000 रुपए, 1,85,000 रुपए इसके पूरी जो है आप समझ लें कि पेंट, कॉस्मेटिक
फिर टायर आए थे 24-25 हज़ार रुपए के, बैटरी आई, तो सारा कुछ कैर करा के आप समझ लें 3.5 लाख रुपए के अंदर ये गाड़ी। नहीं मैंने FX ही वैसे इससे अगर 2 लाख रुपए की FX मिल जाए, 1.5 लाख की मिल जाए, तो 3.5 और 1.5-5 लाख रुपए में एक ऐसी गाड़ी, रिस्पेक्टेबल गाड़ी जिसके ऊपर आप फैमिली के साथ धूप में, छत के साथ, बारिश में छत के साथ फिर सकते हैं, मोटरसाइकिल से ढेर बेहतर। और इस सीरीज में हमने बेसिकली शो भी ये करने की कोशिश की कि लोगों को अक्सर होता है कि यार यूज गाड़ी जो है ना, नई गाड़ी जो है ना लोगों की पहुंच से बाहर, पहुंच से बाहर, ठीक है। ये खड़ी है सर, ये दिखाइए उसको गाड़ी, ये मान साहब आजकल 20 मॉडल की गाड़ी 20-20 लाख रुपए की, हमने कोई पैसे नहीं बचाए। अगर आप इसके नट तक देखेंगे ब्रांड न्यू है, ये देखें बंपर, ये भी चीजें देख के, हर चीज ब्रांड न्यू है, पेंट की क्वालिटी, तो ये ए क्लास रिस्टोरेशन के साथ आपको 5 लाख रुपए में ऐसी गाड़ी तैयार मिल जाती है, जबरदस्त ब्रांड न्यू टायर, ब्रांड न्यू कार, और ये अगले 10 साल कहीं नहीं जाती, इसमें कोई रस्ट नहीं लगेगा जिस तरह इसकी ट्रीटमेंट की गई। तो ये एसी लगने के बाद इसके इंजन की हालत होती है कि एसी का लोड ना? हाँ बेहतरीन बेहतरीन। अभी हम आए हैं तो आप चूँकि सोचे, हमारे साथ एक दोस्त है जो हमारे पीछे आ रहे थे, वो हमारे तकरीबन 5-10 मिनट बाद पहुँचे। तो ऐसे ही है, तो ये आपके प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया, एपिसोड जिसमें हम लोगों ने कोशिश की आपको दिखाएं कि FX रिस्टोर होके कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। आपसे अगले रिस्टोरेशन सीरीज के किसी और एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गृह दिन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Only on